नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश निकाय का संग्राम में, और आपके साथ मैं रश कुमारी। छत्तीसगढ़ में नगर निगम में महापौर पद के चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, और इस सूची के मुताबिक ही संबंधित निगम में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आरक्षण सूची में किसी निगम में ये पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है तो राजनीतिक दल ओबीसी महिला को ही मैदान में उतारेंगे, और उतारना भी होगा। स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए ये नियम लागू रहेगा, और ऐसे में आज चर्चा निकाय का संग्राम के इसी खास मुद्दे पर। तो प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, और हंगामे के बीच लॉटरी सिस्टम से आरक्षण तय किया गया। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कहां किसको प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों में महापौर पद पर चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 13 नगर निगम चुनाव के लिए 2 निगम को महापौर पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इनमें से एक महिला हेतु आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक निगम आरक्षित होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 निगम आरक्षित हैं। इनमें से एक महिला हेतु आरक्षित है। रायपुर के अनारक्षित श्रेणी में आने पर महापौर प्रमोद दुबे ने खुशी भी जाहिर की और कहा कि हम पार्टी के आदेश पर काम करेंगे, पार्टी जो तय करेगी वही चुनाव लड़ेगा। वही बीजेपी सांसद ने नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। नगर पालिक निगम अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति, नगर निगम जगदलपुर अनारक्षित महिला, नगर निगम चिरमिरी अनारक्षित महिला, नगर निगम कोरबा अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर निगम रायगढ़ अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम धमतरी अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर निगम भिलाई चरौदा अनुसूचित जाति, नगर निगम राजनांदगांव अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम बिलासपुर अनारक्षित, नगर निगम भिलाई अनारक्षित, नगर निगम बीरगांव अनारक्षित, नगर निगम दुर्ग अनारक्षित, नगर निगम रायपुर अनारक्षित। पार्टी लाइन में जो तय होता है एक कार्यकर्ता होने के नाते उसका पालन करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। जो पार्टी निर्णय लेगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। इस सरकार में शहर के नुमाइंदे मिलकर इस सरकार को चलाते हैं, उन नुमाइंदों को फिर से चुनने का इस जनता को अवसर मिल रहा है, और मेरे को विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का महापौर पूरे प्रदेश के अंदर में बैठाएगी। 13 नगर निगम के बाद 44 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी बुधवार को आरक्षण तय किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 नगर पालिका आरक्षित रखे गए हैं। वहीं 21 नगर पालिका में अध्यक्ष का पद अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में बागबहरा, सारंगल शामिल है। इनमें से बागबहरा और सारंगल को महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में नारायणपुर, दंतेवाड़ा शामिल है। इनमें से नारायणपुर और दंतेवाड़ा नगर पालिका को महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं। सभी नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत जिसमें प्रदेश में 13 नगर निगम है, 43 नगर पालिका परिषद है और 109 नगर पंचायत है। अभी तक हमने नगर निगम जो 13 है उसके आरक्षण की कार्रवाई पूरा किया है। 43 नगर पालिका परिषदों के आरक्षण की कार्रवाई भी हमने पूरा कर लिया है। निकाय चुनाव में आरक्षण बंटवारे को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। भिलाई नेता प्रतिपक्ष मुकेश सेन और बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1980 के जनजाति सर्वे के आधार पर सरकार के दबाव में आरक्षण निर्धारित किया गया है। जातिगत आरक्षण पुराने जमाने में जो हुआ करते थे उसी को परसेंटेज इन लोगों ने रेशो के आधार पर बढ़ा करके आरक्षण को आज तक के उसको मान रहे हैं और उसी आधार पर आज तक के आरक्षण करते हैं, चले आ रहे हैं, जो कि सरासर पूरी तरीके से गलत और निराधार है। बिल्कुल नियम के विपरीत किया गया है, क्योंकि चकन उमर के हिसाब से जो रोटेशन आना चाहिए उसके हिसाब से भिलाई को ओबीसी के हिसाब से जो आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के तहत जो आरक्षण किया गया है और इसमें पूरा नियम विपरीत हुआ है। चिट डाला गया और चिट सबके सामने निकाला गया। कुछ लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनका ये आरोप बेबुनियाद और निराधार है। पिछले 15 वर्षों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके बावजूद भी राजधानी में कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस एक तरफा जीती थी 10 सालों से। आने वाले समय में अनारक्षण लॉटरी में अनारक्षित निकला है, अभी भी हमारे कांग्रेस के ही यहाँ पर महापौर बनेंगे। तमाम आपत्ति के बीच तीनों निकायों का अध्यक्ष के लिए आरक्षण घोषित होते ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने जीत का दावा तो कर लिया है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और भी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गया है। ये तारुफ आपका करवाते हैं, घनश्याम राजू तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी भाजपा नेता पूर्व विधायक सुंदरानी जी बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी आपका भी खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से आपके नेताओं की बाइट सुन रहे थे, दर्शकों ने भी सुनी, दिखाई हमने, क्या दिक्कत हो रही है भाई? लॉटरी सिस्टम है, ये तो बीजेपी के वक्त भी होता था लॉटरी सिस्टम, आज भी हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या? गौरी जी ये व्यक्तिगत विचार किसी के होंगे, पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जो आरक्षण हुआ है उसको हमने शिरोधार्य किया है और कहीं पे भी हमने इस पे कोई आपत्ति नहीं की है। जो लोग आपत्ति की बात करें ये उनकी निजी राय हो सकती, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। घनश्याम जी जिस तरह से ये लॉटरी सिस्टम से अब ये तो क्लियर हो गया है कि कौन सी सीट रिजर्वेशन कोटे में रहेगी और कौन सी नॉर्मल रहेगी, कितनी तैयारी? देखिए एक राजनीतिक दल होने के नाते हम पूरी तरह से तैयार हैं और जिस प्रकार से पिछले 2 माह पहले हमने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से एक बड़ा बहुमत पाया और आज हम जनता की सेवा के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। नगरीय निकाय और निकाय के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस ली है और हम कमर कसकर तैयार हैं कि पार्टी के प्रत्याशी तय हो और उनकी जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि पिछले 9 माह में जिस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस की सरकार और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार प्रदेश में जनहित के फैसले ले रही है, तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बहुमत से जीत मिलेगी। और जैसा कि पिछले चुनाव के प्रदेश में अगर हम नजर डालें तो निश्चित ही शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस के महापौर अधिक जीत कर आए थे और रही बात राजधानी रायपुर की, तो राजधानी में तीसरी बार भी हम कांग्रेस के महापौर को जीता पाने में सफल होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी यहाँ पे तो दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है इस मरतबा? देखिए सहारे की सत्ता जो है उसको प्राप्त करने के लिए दोनों राजनीतिक दल पूरी एड़ी चोटी की जोर लगाएंगे, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब जो अग्नि परीक्षा एक तरह से मानी जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी एक तरह से सत्ता विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ था, लोकसभा चुनाव में एक तरह से मोदी जी के पक्ष में लहर था, दोनों चुनाव एक तरह से लहर में चुनाव हुए हैं। उसके बाद अब जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाह रही है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। इसलिए दोनों राजनीतिक दलों के सामने अग्नि परीक्षा होगी और खासकर वर्तमान सत्तारूढ़ दल जो कांग्रेस के भूपेश सरकार की अग्नि परीक्षा होगी कि शहर की जनता का मूड क्या है, अभी तक के कामकाज जो है उसको किस तरह से ले रही है। और हम अगर पिछले कई चुनाव का अगर उदाहरण देखें तो जो शहरी सत्ता के जो परिणाम आते हैं वो एक तरह से संकेत भी माना जाता है कि जनता का सरकार के कामकाज के प्रति क्या रुख है, एक तरह से वो दिख जाएगा। और किस तरह से जो विकास के काम हुए हैं, किस तरह के दावे हैं, उस दावों का एक जनमत संग्रह इसके जरिए होगा। दूसरी ओर जो विपक्ष में भाजपा जो बुरी तरह हार के बाद अब उसको एक दिखाने का अवसर है कि नगरीय निकाय चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएगी, कौन से बड़े मुद्दे होंगे। और अगर हम नगरीय निकाय चुनाव को देखें तो एक तरह से ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, इनमें मुद्दों से ज्यादा प्रत्याशियों के व्यक्तिगत संपर्क कितने हैं, उनके रिश्ते किस तरह से हैं, जनता के बीच उनके बारे में मैसेज क्या है, यह एक महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे पार्षद चुनाव के समय हो चाहे महापौर चुनाव के समय हो। अब ये दोनों पार्टियों के सामने उनके टिकट वितरण की चुनौती होगी, टिकट वितरण में किस तरह के
नए लोगों को सामने आने का एक बड़ा अवसर जो है। हर बार अगर देखेंगे तो नगरीय निकाय चुनाव नए नेता पैदा करता है, नए लीडरशिप पैदा करता है। तो दोनों राजनीतिक दल वर्तमान जो जो नेतृत्व है उसके अलावा नया नेतृत्व देते हैं या कुछ पुराने चेहरों को फिर से दांव लगा सकते हैं, तमाम आकलन इस चुनाव के जरिए होगा। बिल्कुल, बाकी मैं सुंदरानी जी, जिस तरह से राम अवतार जी कह रहे हैं कि नई लीडरशिप को यहाँ पे जन्म दिया जाता है, नए लीडरशिप को ऊपर उठाया जाता है। अगर हम रायपुर की बात करते हैं तो लग रहा था कि इस मर्तबा ये जो सीट है वो शायद ओबीसी के कोटे में जाएगी, और कई अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही थी कि कई जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। अब जिस तरह से लॉटरी सिस्टम में ये फिर से एक बार जनरल कैटेगरी के लिए गई है, तो उन ओबीसी कैटेगरी के नेताओं को तो ये मतलब धक्का ही लगा होगा, तो उनकी तैयारी तो धरी की धरी रह गई फिर। देखिए गौरी जी, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, चाहे ओबीसी से हो या सामान्य वर्ग से हो या एसटी एससी से संबंध रखते हो, राजनीतिक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं से ही काम नहीं चलेगा ना, नियम कायदों से काम चलेगा, जो सिस्टम बना हुआ सिस्टम से काम चलेगा। महत्वाकांक्षा रखने के लिए सभी लोग विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता तो किसी भी दल का नहीं बन पाता ना। कई सारे ऐसे कार्यकर्ता मैंने देखे जीवन भर जिन्होंने पार्टी की सेवा की, एक पार्षद नहीं बन पाए। कई कार्यकर्ता ऐसे देखे कि बहुत थोड़े समय में ही वो विधायक और सांसद बन जाते हैं, तो ये तो स्वाभाविक घटनाक्रम होते हैं। तो राजनीति में इन सब चीज़ों का कोई गणित नहीं होता। तैयारी तो हर प्रकार, हर कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता को तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। ये दलगत आधार पे चुनाव होते हैं, दल तैयारी करता है और जो जिस वर्ग का आरक्षण होता है उस वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। उसमें भी दो दो चार चार पांच पांच आठ आठ कैंडिडेट हमारे पास होते हैं, चाहे जिस वर्ग के लिए भी आरक्षण हुआ हो, तो इतने उम्मीदवार होते हैं। पार्टी उसमें से चयन करती है, पार्टी योग्यता के आधार पर, जीत के आधार पर निर्णय लेती है। तो स्वाभाविक है, दावेदारी करना कोई भी गलत काम नहीं है गौरी जी। हर कार्यकर्ता को ये नैतिक अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी करें, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगर निगम पे काबिज होगी और 9 महीने के भूपेश सरकार के कार्यकाल पे ये चुनाव होंगे। मुद्दे क्या रहेंगे सुंदरानी जी? कांग्रेस से धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो चुका। मुद्दे क्या रहेंगे? विकास, विकास, विकास। 15 साल बनाम 9 महीने का होगा। 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, शहरों की दशा सुधारने का काम किया है। कभी हमारा रायपुर, अगर हम 15 साल पहले के रायपुर को देखें तो एक कस्बाई शहर होता था, आज राजधानी का स्वरूप ले लिया है, सड़कों का जाल बिछ गया है, गली गली में विकास पहुंचा है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने पूरे प्रदेश में विकास किया है। तो ये चीजें आज लोगों को एहसास हो रही है, लोगों को पछतावा हो रहा है। अच्छा। विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर लोग पछता रहे हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। घनश्याम जी, क्योंकि लोग पछता रहे हैं, उसी पछतावे का रिजल्ट था, ये मेरे शब्द नहीं है सुंदरानी जी के, कि उसी पछतावे का रिजल्ट था कि लोकसभा के चुनाव विपरीत रहे कांग्रेस के आशानुरूप। अब वही रिजल्ट फिर से दोहराया जाएगा नगर निगम में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुंदरानी जी को धन्यवाद दूंगा इस बात का कि राजधानी के विकास को उन्होंने सराहा है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम दलगत राजनीति से उठकर उन्होंने विकास को आधार माना और उसकी तारीफ भी की। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पिछले 9.5 वर्षों में राजधानी रायपुर का नेतृत्व तो कांग्रेस के महापौर कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी होकर चुनाव जीता और जनता की सेवा की और वो विकास का जाल ऐसा बुना कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी उसकी तारीफ करता है। उसके लिए मैं सुंदरानी जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात गौरी जी, जिस प्रकार से बड़बोले भाजपा के प्रवक्ता गण एक संवैधानिक प्रक्रिया पर उंगली उठाकर
इस प्रकार से उलझुलुल बयानबाजी टीवी चैनलों पर कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष में रहकर किस विपक्ष का नेतृत्व करना है। मतलब मन में आया, माइक लगा, आईडी लगा और बोल दिए, जबकि पार्टी उस पर सीधे अपने आप को अलग करती है। तो ये ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर है कि बड़बोले प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, खाली कैमरे में चमकने के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसका वरिष्ठ प्रवक्ता और बड़बोले पंजी घनश्याम जी बात नहीं की जाए। समझ में आता है, सरकार में मंत्री और विधायक भी ऐसा बड़बोलापन दिखा चुके हैं। गौरी जी अब भी जानते घनश्याम जी, चर्चा दूर तो लग जाएगी, बात तो चर्चा भी दूर तो लग जाएगी ना। जब बातें बड़बोलेपन की होती तो उस पर चर्चा भी होती है, आज हुई है इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। रही बात राजधानी रायपुर के विकास के मुद्दों पर, आपके विधायक और मंत्रियों को छोड़ दिया जाए फिर बड़बोलेपन चुनाव लड़ेंगे घनश्याम जी, क्या आपके विधायक और मंत्री को छोड़ दिया जाए फिर बड़बोलेपन पे? इसलिए मैं कह रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ इस तरह की चीजों को नहीं निकालिए। मैं भी आपको यही कह रही हूँ, सीधा सवाल आपको ये है, नगरीय नगर जिस तरह से अभी ये जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे? सुनिए, आपने अपने टीवी चैनल पे उस बड़बोले प्रवक्ता की बाइट दिखाई जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग करने का, क्या उस पर मुझे प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है? दीजिए सर, या तो फिर आप उस बाइट को नहीं दिखाते। दीजिए सर, नहीं जी, उस बात को खंडन नहीं करते। आप प्रतिक्रिया दीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपने उस बाइट को दिखाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है उस पर मैं चर्चा करूँ। चलिए छोड़िए, आपको बुरा लगता है उस लाइन को? सर ये तो आरोप लगा रहे हैं, बुरा लगता है। रही बात नगर निगम के बड़बोलेपन का नाम मत लीजिए। रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम के जिस क्षेत्र में आज राजधानी की बात हो रही है, तो एक लाइन की बात आपको बता दूं गौरी जी, कांग्रेस के महापौर ने प्रदेश में राजधानी के अंदर जो विकास किया है, जो उसका स्वरूप बदला है, स्वरूप ही होगा जिसके कारण से हम तीसरी बार रायपुर में जनता के आशीर्वाद से रायपुर में महापौर कांग्रेस का चुनकर आएंगे। हमने बड़े बड़े काम किए, और 9 मार्च की सरकार ने तो गुमास्ता लाइसेंस, जो पूर्ववर्ती सरकार हर 5 साल में गुमास्ता लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए व्यापारियों को धक्के खाने पड़ते थे, एक व्यापारी नेता भी है हमारे आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी, उनको पूछिएगा आप, गुमास्ता लाइसेंस को शिथिल किया है, एक बार गुमास्ता लाइसेंस बनेगा उसका रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर संपत्ति कर को जो इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए 50% की वृद्धि की थी, आज संपत्ति कर को 50% घटाया गया है। कहां गया है? दावे हैं। एक मार्च 2019 से संपत्ति कर में जो बढ़ाए हुए पैसे थे वो घटा दिए गए हैं। आप पता कर लीजिएगा, मैं फिर से आपके साथ बैठ जाऊंगा। नहीं आपने, लेकिन हम आधा करने की बात की थी, जो हमने फैसले लिए हैं, आधा करने के बाद का संचालन आपने प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंका है। सुरक्षा की दृष्टिगत से आज राजधानी में एलईडी लाइटों का जो भरमार रोशनी को प्रज्वलित कर रहा है, ये सारे आधार हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे फिर से सहयोग और उनसे अपील करेंगे कि वो हमें आशीर्वाद दें और पुनः राजधानी के विकास के लिए हम पर भरोसा करें। रावणदास जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से प्रदेश की राजनीति को देखते आ रहे हैं और साथ ही रायपुर में भी आप रहते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या रुख रहने वाला है बाकी में? इस मर्तबा भी क्या सीट कांग्रेस को ही जाने वाली है या इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजधानी रायपुर हो, सबसे ज्यादा विकास राजधानी का हुआ है। हम कई शहरों के बाहर के लोग आते हैं, वो एक तरह से परिवर्तन को देखते हैं तो चकाचौंध को देखते हैं तो स्वीकार भी करते हैं। तो राजधानी का विकास हुआ है, अब उसमें बिना राज्य सरकार के सहयोग के कोई भी महापौर नहीं कर सकता। दोनों चीजें हैं कि बड़ा मद जो है वो राज्य सरकार और समन्वय कर सके, क्योंकि नगरीय निकाय और राज्य सरकार दोनों के बीच समन्वय के साथ ही अच्छी योजनाएं चल सकती है और जनता को बेहतरी। अभी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य की, सफाई अभियान, जिस तरह सफाई अभियान में अभूतपूर्व परिवर्तन आया रायपुर में, पहले अभी कचरा फेंकने वाले सुबह से लेने वाले आ जाते हैं, घर घर में आ रहे हैं, तो ऐसे कई क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन हुआ है। और बड़े बड़े चाहे बिलासपुर हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे कोरबा हो, शहरों का विकास तो हुआ है। अब शहर की जनता जागरूक है,
और जनता बहुत चीजों को राजनीति के पल पल को जानती है, अब उसमें क्या निर्णय करती है, किस तरह से टिकट वितरण होता है, जनता का मूड क्या है और उसके जो नेताओं के जो है वो किस तरह के रणनीति होती है, एक बहुत कुछ अभी खुलासा होना बाकी है। जब धीरे धीरे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति, चुनाव प्रचार की रणनीति और समस्याओं को किस तरह से उठाते हैं और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता किस तरह की है, ये जब बात उभर कर आएगी तभी कह पाएंगे सही तरीके से कि कौन सा राजनीतिक दल की क्या स्थिति होगी उस समय। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि अभी तो प्रमोशन तो बहुत बाद में होगा, ट्रेलर आना अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सुंदरानी जी, आप उस वक्त कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए गौरी जी, राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, वो विकास की बात कर रहे थे और विकास का श्रेय महापौर को देना चाहते हैं। सारा का सारा फंडिंग हम लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, जो हमारे सरकार के मंत्री थे उन्होंने इसकी फंडिंग की। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा गौरी जी, जब हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, चुनाव के पहले हम लोगों ने 70 करोड़ के काम स्वीकृत किए थे 70 वार्डों में, जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे सारे के सारे कामों को निरस्त कर दिया गया। वो रायपुर शहर की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार आते ही किस प्रकार विकास रुक गया, कोई भूमि पूजन नहीं हुआ अभी तक, 9 महीने में कोई भूमि पूजन, अरे वो हमारे स्वीकृत कामों को ही करा देते तो शायद कुछ जनता के मन दिलो दिमाग पे इनकी छाप बनती, लेकिन इन्होंने तो उल्टा वे काम निरस्त कर दिए जो जनता की डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 करोड़ रुपए के काम रायपुर नगर निगम में स्वीकृत किए थे वे सारे। अच्छा, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग से माननीय राजेश मूणत जी के प्रयास से करीब 30-40-50 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए थे, वे सारे के सारे काम निरस्त किए गए। सारे विभागों के फंड ले लिए गए अन्य मत के लिए, तो विकास तो चाहिए ना, शहर की जनता है, शहर की जनता हो या गांव की जनता हो। जवाब दे रहे घनश्याम राजू जी से, घनश्याम बिल्कुल सुंदरानी जी, घनश्याम एक्सीडेंटल चुनाव में प्रलोभ, ठीक है घनश्याम राजू जी से हम इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि आपकी तरफ से अब चेहरा कौन होगा रायपुर के लिए? देखिए मेरा ये सवाल घनश्याम जी, मेरा ये सवाल चेहरे को लेके, मेरा ये सवाल सुंदरानी जी से, उनका जवाब ले लेती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। देखिए गौरी जी, मैंने पहले ही कहा चाहे जिस वर्ग के लिए भी आरक्षण हुआ उस वर्ग में हमारे पास 4-4, 5-5, 8-8 नाम है पार्टी के पास। मतलब डिसाइड करना एक बड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। घनश्याम जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, गुण दोष के आधार पे सारे चयन होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बेस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। घनश्याम राजू जी, सुंदरानी जी के सवाल का भी जवाब दीजिए और मेरा भी आपसे सवाल है, क्या आप अपने सिटिंग मेयर को रिपीट करेंगे या चेहरा बदलेगा? गौरी जी, जहां तक राजधानी के विकास पर मंत्रियों के खजाने का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा आदरणीय सुंदरानी जी ने रखा, मैं पूछना चाहता हूं क्या मंत्री विधायकों के पास जो आर्थिक खजाने हैं वो क्या उनके अपने घरों से आते हैं? वो सरकार और जनता के मोटे करों से लिए। मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा, आपने कहा राज्य सरकार के, आपने कहा राज्य सरकार, अरे भाई जनता के करों से लिए हुए पैसे, अरे बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए सर, आरोप लगा रहे, बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए, हमने अपने, यही तकलीफ है, यही तकलीफ है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि हमने, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखता हूँ, आपने अपनी बात रख ली। भाई जनता के पैसों का जनता के विकास में अगर खर्च किया जा रहा तो हमारी सरकार ने, हमारी हमारे मंत्री ने, ये क्या बात हुई? और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, विकास के नाम पर कोई भी राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की हो उन्हें तो देना ही है। रही बात ये होती है काबिलियत की, उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वो कितना काबिल है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता के पास प्रस्ताव ले, सरकार के पास प्रस्ताव ले। काबिलियत तो मेरा सवाल, मेरे सवाल का भी जवाब बहुत संक्षेप में दे दीजिए घनश्याम जी, वक्त बहुत कम है, इसी काबिलियत पे मेरे सवाल का जवाब भी संक्षेप में दे दीजिए, क्या सिटिंग मेयर को रिपीट किया जाएगा या चेहरा बदलेगा रायपुर का? बहुत संक्षेप में सर,
क्योंकि वक्त कम है। गौरी जी स्पष्ट है, राज्य के खजाने को 50,000 करोड़ रुपए कर्जे में डूबो के जाने वाली भारतीय जनता पार्टी विकास की उम्मीद अगर कांग्रेस से करती है तो हमें समय लगेगा। 9 मार्च की सरकार पर ये प्रश्न उठाना उचित नहीं है। रही बात काम तो करा देते भाई, ये संगठन हमारी सरकार ने करा देते। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर अगला कैंडिडेट राजधानी का कौन होगा ये तय होगा। अभी ये कहना उचित नहीं है गौरी जी कि प्रत्याशी कौन होंगे। संगठन इस बात ठीक है समझ गई सर। कंक्लूडिंग रिमार्क राम अवतार जी। देखिए आप तीनों दिन जो है शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, लोग गांव से, गांव खाली हो रहे हैं, शहर में सुख सुविधाएं बढ़ रही है, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य, तो अब ये चुनौतियां दिनों दिन शहर बनते जा रहे हैं। उस शहर को और ज्यादा व्यवस्थित कैसे की जा सकती है? बड़ी बड़ी झोपड़ियां जो बन रहे हैं झोपड़पट्टी इलाके में, अब उनके लिए आवास बनने लगे हैं, तो बेहतर शहर का विकास कौन कर पार्टी कर सकती है, कौन दावेदार कर सकता है? ये एक रोडमैप तैयार करते हुए अगर राजनीतिक दल चुनाव में जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो शहर जो एक समस्या बनती जा रही है, बरसात में गंदगियों के कारण कई ऐसी समस्याएं शहर में बढ़ती जा रही है, उन समस्याओं को हल करने का एक रोडमैप अभी से तैयार करना राजनीतिक दल। जिस तरह आरक्षण के बाद अति उत्साहित हैं लोग, उन उत्साहित नेताओं को वो रोडमैप बनाना होगा, विकास का रोडमैप बनाना होगा। बाकी इस दिशा में काम करें बिल्कुल, बाकी वो रोडमैप बनाना होगा। बहुत शुक्रिया राम अवतार जी चर्चा में शामिल होने के लिए। सुंदरानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। घनश्याम जी आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सवाल तीखे जरूर हो सकते हैं लेकिन सवाल होते वाजिब है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरप्ट करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि कहीं हम डिबेट को किसी और दिशा में ना ले जाए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की चर्चा से इतना तो साफ है कि जिस तरह से हमने चर्चा में देखा और सुना भी कि सिर्फ आरक्षण दे देने से कुछ नहीं होगा, उसका एक रोडमैप, प्रॉपर रोडमैप प्लान करना होगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।